हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत। आज हम लोग हाइपरबोला को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeet@gmail.com। डायरेक्ट अगर मुझसे जुड़ना चाहें आप तो आप फेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अजीत शर्मा के नाम से। देखिए, हम लोगों ने इलिप्स वाले, आप अगर इलिप्स का सेगमेंट पढ़े होंगे तो इलिप्स वाले सेगमेंट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें जो उसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू इलिप्स एंड हाइपरबोला, वहां मैंने हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी डिराइव किया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वहां जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है वो इक्वेशन आया था एक्चुअली जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, यही इक्वेशन दोनों जगह निकल के आया, दिस विल बी, है ना। ठीक है, इस इक्वेशन की खासियत क्या थी, ये इक्वेशन दोनों इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के केस में इक्वेशन आया था। इस इक्वेशन की खासियत क्या थी कि फोकस हम लोगों ने ए कॉमा जीरो लिया है और डायरेक्ट्रिक्स लिया था एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, अगर e ग्रेटर देन 1 है तो ये इक्वेशन जो था हाइपरबोला का था। अब जब ये इक्वेशन हाइपरबोला का निकल कर आया था तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर विल बी निगेटिव, तो निगेटिव को बी स्क्वायर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इलिप्स और हाइपरबोला में यही फर्क हुआ था। इलिप्स के केस में e चूंकि लेस देन 1 था तो ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ये पॉजिटिव आएगा तो इसको बी स्क्वायर से वी आर गोइंग टू रिप्लेस, पर हाइपरबोला के केस में चूंकि ये क्वांटिटी निगेटिव है तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट बाई माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को लिख क्या सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने वहां बताया है, आप एक बार प्लीज इलिप्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट लेक्चर्स को देख लीजिए, खासतौर पे स्टार्टिंग के 10 मिनट के जो लेक्चर उसको देख लीजिए, उससे आपको सहूलियत होगी। ठीक है, मैं अब उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप उसे प्लीज देख लीजिए, ये आया था। चलिए, अब मैं इंट्रो को फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा फिगर बना करके सारे जो टर्म्स है उसको समझने की कोशिश कर। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आया था एक ये लाइन मैंने ले लिया डायरेक्ट्रिक्स। हाइपरबोला के डिफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल्स टू ई, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। यानी कोई भी पॉइंट जब डायरेक्ट्रिक्स के साथ आप कंपेयर कीजिएगा तो डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस और फोकस से उसके डिस्टेंस में, फोकस से डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये एक देखिए हबराहट में अगर आप देखिएगा तो एक झटके में आपको ऐसा लगेगा कि हाइपरबोला इज नथिंग बट द टू यूनियन ऑफ टू पैराबोला, पर ऐसा होता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हियर वी आर टेकिंग एज एस, दिस इज एस, एस डैश, इसे आप जेड बोलिए, दिस वन इज जेड, दिस वन इज द वर्टेक्स ना ए, ए डैश। कायदे से जो फॉर्म द डेफिनेशन, ये जो लाइन दिख रहा है दिस इज एक्सिस, यहां क्या नाम बताया था मैंने, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है दिस वन इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। इलिप्स के केस में मेजर और माइनर एक्सिस था, यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। एस का कोऑर्डिनेट क्या था, ए कॉमा जीरो, एस डैस का कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस ए कॉमा जीरो। पूरा का पूरा ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सॉरी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये पूरा का पूरा इक्वेशन सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और साथ साथ ऑरिजिन के अबाउट भी। तो चूंकि ये पूरा का पूरा इक्वेशन सिमेट्रिकल है तो हर चीज दो दो बार होगा। तो ए कॉमा जीरो फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है एक्स बराबर ए बाई, माइनस ए कॉमा जीरो के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है एक्स बराबर माइनस ए बाई, वर्टेक्स है एक ए और एक ए डैश। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है ए ए डैश जो होगा वो आपका हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई होगी दिस इज इक्वल टू टू ए। ठीक है, कंजुगेट एक्सिस होता है लेकिन लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है, लेकिन सवाल बनाने के लिए यूजुअली यूजुअली वी टेक लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस एज
अब कई जगह सेम ही कंजुगेट एक्सिस का भी जिक्र होता है, वो आधा कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 2b, ठीक है। पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है प्रैक्टिकली। आप मान लीजिए कि यहां से b यूनिट ऊपर एक पॉइंट है, b यूनिट एक नीचे पॉइंट है, दिस इज 0 कॉमा b, दिस इज 0 कॉमा माइनस, आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें भी वही सारे कॉर्ड्स की बात करूं, तो कॉर्ड्स में क्या होगा, कई तरह के कॉर्ड्स आएंगे। यहां भी कॉर्ड्स का डेफिनेशन में क्या क्या आ जाएगा, कॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कॉर्ड्स में आप कहेंगे कि सर एक स्पेशल कॉर्ड हो जाएगा सेंट्रिक कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, ठीक है। इसके अलावा एक कॉर्ड हो जाएगा आपका डबल ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और कॉर्ड हो जाएगा फोकल कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, फोकल कॉर्ड का कंडीशन। जैसे इलिप्स के केस में फोकल कॉर्ड का कंडीशन आया था tan थीटा 1 by 2 into tan थीटा 2 by e minus 1 upon e plus 1 और e plus 1 upon e minus 1 depending upon the point, वैसे यहां भी आएगा, ठीक है। फोकल कॉर्ड इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या बनेगा, लैटस रेक्टम बनेगा। तो हमारा टारगेट यही है लैटस रेक्टम को डिस्कस करना, ठीक है। तो देखिए लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या है, वैसा कॉर्ड जो फोकल कॉर्ड के साथ साथ डबल ऑर्डिनेट भी हो जाए, यानी पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए फिगर को, ठीक है, ये सब एक ही लेवल पर होंगे, ध्यान दीजिएगा। लेट दिस बी एल वन एल वन डैश, दिस वन इज एल टू डैश, ठीक है, क्लियर है। कोऑर्डिनेट की बात है तो एल वन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए। याद कीजिए इलिप्स के वक्त क्या आया था, आप एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इस इक्वेशन में जब आप उठा करके सब्स्टिट्यूट करोगे, ए को जब आप पुट करोगे तो वाई का वैल्यू क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर बाई ए। आप इलिप्स का लेक्चर जरूर देख लीजिए क्योंकि दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो दिस इज बी स्क्वायर बाई ए एंड दिस वन इज नथिंग बट ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। सिमिलरली एल टू इज माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, एल टू डैश इज माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, क्लियर है। एल वन एल वन डैश, एल टू एल टू डैश। अगर लंबाई की बात करूं मैं, यानी एल वन डैश की लंबाई या एल टू डैश की लंबाई, तो दिस कम्स आउट टू बी टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये याद रखिएगा, ठीक है। दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट। अब जैसे इलिप्स के केस में होता था ना, सम ऑफ डिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। हाइपरबोला का भी एक अनदर डेफिनेशन है, वो अनदर डेफिनेशन कहता है डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। यानी अगर हाइपरबोला के केस में अगर आप ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई पॉइंट अगर आपने ले लिया, इसे एस से मिला दिया, इसे एस डैश से मिला दिया, ठीक है, तो हाइपरबोला के केस में पी एस और पी एस डैश का जो डिफरेंस होगा ये कॉन्स्टेंट आएगा। और ये कॉन्स्टेंट जानते हैं किसके बराबर आता है, टू ए के बराबर। वहां सम कांस्टेंट आया था, देखिएगा कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। नॉर्मल केसेस में मैक्सिमम जो इक्वेशंस है इलिप्स से हाइपरबोला में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां बी स्क्वायर है जस्ट रिप्लेस दैट बी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, वहां भी सम ऑफ डिस्टेंसेस जो वैल्यू निकल के आया था दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहां दैट कम्स आउट टू बी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। पी एस डिफरेंस पी एस डैश कम्स आउट टू बी अ कॉन्स्टेंट। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं बात करता हूं क्या हो रहा है। कहा क्या गया, कहा गया कि दो फिक्स पॉइंट दिए हुए एस एस डैश, कोई वेरिएबल पॉइंट है पी, पी एस माइनस पी एस डैश का मॉड ले लेता हूं दैट इज के। अब अगर k मान लेते हैं k जो है तीन कैसे जाएगा, k s s डैश से बड़ा है, k s s डैश के बराबर है और k लेस देन s s डैश। ध्यान दीजिएगा अक्सर इन चीजों को छोड़ दिया जाता है जिससे कि कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर सेगमेंट में बड़ी भारी दिक्कत आ जाती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, दिस इज योर z, दिस वन विल बी योर z1, दिस वन विल बी योर z2, मैंने किया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे आप क्या लिखोगे, अंडर मॉड z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 का मॉड बराबर k, यही तो लिखेंगे। और s s डैश का क्या मतलब हो गया, s s डैश का मतलब हो गया s s डैश मींस z1 माइनस z2,
तो सब कोरिलेटेड है, कोऑर्डिनेट और कॉम्प। एक बार जैसे आप कोऑर्डिनेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले लेक्चर्स को पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से कायदे से देख लीजिएगा। अब देखिए, k ग्रेटर देन s s डैश, ठीक है। तो p के बारे में आप क्या कर सकते हैं? p के बारे में आप यही बोल सकते हैं ना कि p प्लेन में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो एक मैं रैंडमली एज्यूम करने के लिए मान लेता हूं कि p अगर इस लाइन पर s s डैश पर नहीं है, तो अगर p इस लाइन पर नहीं होगा तो हमेशा p के साथ ये ट्रायंगल बनेगा। मैं उल्टा चल रहा हूं, कंडीशंस को बाद में देख रहा हूं। तो जब भी ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंस ऑफ द साइड्स मस्ट बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड, दो साइड का अंतर। भैया इस केस में आप कह रहे हो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा। चलो अब अगर p को मैं ऑन द लाइन ले लू, अगर मैं ऑन द लाइन कहीं भी ले लू, मान लो यहां पर मैंने एक पॉइंट इमेजिन किया q। अब आप खुद ही देखो, क्यू एस डैस माइनस क्यू एस हमेशा एस एस डैस आएगा, यानी दैट विल बी इन सेकंड केस। तो इस केस में आप इजिली कह सकते हो कि सर कोई भी लोकस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला केस क्या कहेगा? के लेस देन एस एस डैस। इस केस में जो लोकस मिलेगा वो हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। इस केस में जो लोकस मिलेगा वो हाइपर, इसके लिए मैं फिगर बना रहा हूं, देखो ऐसे ये मिलेगा हाइपरबोला, ठीक है। ये दोनों वर्टेक्स हो गया, इस केस में हाइपरबोला मिलेगा, जहां पर के जो होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई होगी, एस एस डेस क्या होगा? फोकाई होगा, ठीक है। के बराबर एस एस डेस क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इसे देखिए। जब के बराबर एस एस डेस होगा तो लोकस क्या आएगा? इस केस में जो लोकस निकल के आएगा वो आता है ये टू रेज आएगा, समझे। वो रेज जो होगा एस एस डेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग होगा, ठीक है, और दोनों रे बाहर की तरफ होगा। तो इस केस में नो लोकस, यहां टू रेज आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम एस एंड एस डेस। अब एस और एस डेस को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल शामिल करेंगे एस और एस डेस को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टू रेज होगा, एस एंड एस डेस विल बी इंक्लूडेड। अरे भाई अगर एस यहां पर है तो पी एस विल बी जीरो, पी एस डेस ही तो आपका एस एस डेस हो जाएगा, ठीक है। तो टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एस एंड एस डेस, बोथ आर आउटवर्ड एंड द रेज आर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एस एस डेस। क्लियर है ये चीज? अनदर डेफिनेशन भी, ठीक है। आप अनदर डेफिनेशन से, जैसे इलिप्स में मैंने अनदर डेफिनेशन से इक्वेशन लिखना सीखा था, आप यहां भी इक्वेशन लिख सकते हैं। के का वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो एक्स के नीचे लेके चले जाइए। हाँ आ रहा हूं, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला पर भी आऊंगा, ठीक है। माइट बी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट, अभी वी आर फोकसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये तो हिस्सा हो गया। अब आपको याद कीजिए, हर सेगमेंट में हम लोगों ने इंट्रो के बाद सबसे पहला जो पार्ट किया था वो किया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट करते वक्त दिक्कत नहीं हुई थी, इलिप्स के वक्त पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट करते वक्त हम लोगों ने ऑक्सिलरी सर्किल डिफाइन किया था। हाइपरबोला में बी केयरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है ये। तो मैं फिगर को अच्छे से बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक सर्किल पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बुक्स में बहुत कम बुक्स हैं जो अच्छे से डिस्कस किया हुआ इस सेगमेंट को। पहले मैंने ऑक्सिलरी सर्किल का डेफिनेशन वही है जो वहां था। इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्किल का डेफिनेशन क्या था? मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्किल बनाएंगे। यहां ऑक्सिलरी सर्किल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के बनाएंगे, ठीक है। टेकिंग ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं हाइपरबोला इसके बाद बनाता हूं। एक इधर बना दिया, एक इस साइड गया। आई विल सजेस्ट कि आप इलिप्स वाले सेगमेंट को एक बार रिवीजन करके ही पढ़िएगा, ताकि आपके लिए सिमिलरिटी डिसाइड करना आसान हुआ। जब सिमिलरिटी डिसाइड करना इजी हो जाएगा तो याद रखना आपके लिए अच्छा होगा। हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर कर लिया। चार क्वाड्रेंट में बटा है, ये जीरो है। मैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिखा रहा हूं, पिक्चर गंदा हो जाएगा। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए,
कहीं पर भी, लेट दिस पॉइंट इज पी, यहां से परपेंडिकुलर डालिए ट्रांसवर्स एक्सिस पे, वहां मेजर एक्सिस पे डालते थे। अब इस पॉइंट को एक काम करता हूं मैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको पी वन बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज एन वन। अब एन वन से इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एन वन से जब इस सर्किल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो आप दो टेंजेंट खींच पाएंगे एन वन से, ठीक है। एक टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक टेंजेंट आपका फोर्थ में। मैं क्या करता हूं पहले फोर्थ में ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, फोर्थ में मैंने ड्रॉ किया, यहां इसको ऐसे मैंने मिला दिया, जानबूझ के मैंने किया है। आप इधर भी ड्रॉ कर दीजिए, इसे इससे मिला दीजिए, क्लियर। अब ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को आप थीटा वन कहिए, इसे भी थीटा वन ही कहेंगे क्योंकि पी वन के लिए आप कर रहे हो। अब मैं एक बता रहा हूं आपको, देखिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली ये रेडियस ए है तो आप चाहो तो इसका ए कॉस थीटा ए साइन थीटा कर दोगे, मत करो। ओ एन वन की वैल्यू क्या होगी, एन वन का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, एन वन का कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगा आपका ए सेक थीटा वन कॉमा जीरो, ठीक है। एन वन का कोऑर्डिनेट निकल गया। जब आप इस एन वन के कोऑर्डिनेट को हाइपरबोला के इक्वेशन में रखोगे तो सॉल्व करने पर वाई का जो वैल्यू है, क्योंकि एन वन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही पी वन का, अब आपको कोई फर्क पड़ रहा है, अगर मान लो थीटा वन यहां 30 डिग्री है तो इसके लिए थीटा लेंगे तो माइनस 30 डिग्री, चाहे 30 लो चाहे माइनस 30 लो, सेक का तो वैल्यू सेम आएगा ना। तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने यहां पॉइंट कंसीडर किया है कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसे, लेकिन आगे फर्क पड़ेगा। जब आप इसे रख के सॉल्व करोगे तो मॉड वाई का वैल्यू आ जाएगा ए टैन थीटा, एक्चुअली वाई स्क्वायर आ जाता है बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा वन। तो वाई क्या ले, बी टैन थीटा ले या माइनस बी टैन थीटा ले, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग बी टैन थीटा लेते हैं, उससे थोड़ी सहूलियत हो जाती है। अब देखो अगर बी टैन थीटा आपने लिया है, समझिए अगर बी टैन थीटा लिया है और थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान देना इस चीज को, बी टैन थीटा लिया थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बी टैन थीटा के लिए अगर थीटा फोर्थ में है तो नेगेटिव आ जाएगा। पॉइंट फर्स्ट में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो अगर आपने इसे बी टैन थीटा लिया है तो थीटा को फर्स्ट में लेना होगा, और अगर माइनस बी टैन थीटा लिया है तो थीटा को फोर्थ में लेना होगा, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो कि पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या पॉइंट पी कहीं भी है, ज्यादा अच्छा क्या लगता है बोलने में, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा या ए सेक थीटा कॉमा माइनस बी टैन थीटा। ऑब्वियसली बी टैन थीटा ज्यादा बेहतर लगता है, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि बी विल बी टेकन एज y will be taken as b tan, पर दिमाग में यह मिसकंसेप्शन मत लाना, जैसे कई बच्चे कई टीचर्स आपको बता देंगे कि p चूंकि फर्स्ट में इसलिए थीटा को फर्स्ट में, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन थोड़ी देर में मैं ब्रेक करने वाला हूं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि p1 के पोजीशन से थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कि p1 फर्स्ट में तो थीटा को भी फर्स्ट में होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल ऐसा हो रहा है तो b tan theta, यानी p1 का कोऑर्डिनेट कम्स आउट टू बी a sec theta 1, b tan theta 1, यानी इन जनरल फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला कम्स आउट टू बी a sec theta 1, b tan theta 1, जिसको इन शॉर्ट p ऑफ थीटा बोलेंगे। अगर इक्वेशन की बात करें तो x बराबर a sec theta, y बराबर x बराबर a sec theta, y बराबर b tan theta, ठीक है। दिस वन इज योर पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप टेंजेंट कहां लेंगे, देखिए हर एक जगह से, जैसे पॉइंट ये N4 है यहां से दो टेंजेंट खींच सकते, लेकिन जो वैलिड टेंजेंट है दिस वन। अब ये जो पॉइंट है इसे Q1 कहिए, Q1 क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये दिस वन इज Q4, यहां कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसके लिए सेंट्रिक एंगल। अब कई लोग सेंट्रिक एंगल यहां बोलते हैं 270 से 360 के बीच में, कई लोग कहते हैं माइनस 90 से 0 के बीच में, दैट डिपेंड्स आप कैसे मेजर कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यही चीज आपको प्रॉब्लम करेगा अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां तक तो बात ठीक है। टेंजेंट कहां ले, अगर टेंजेंट आपने इस पॉइंट के लिए जो टेंजेंट है, टेंजेंट को अगर यहां ले लिया, क्यू टू आपका यहां पर आ गया, तो सेंट्रिक एंगल चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा अगर सेकंड में होगा, ध्यान दीजिएगा थीटा अगर सेकंड में होगा तो सेक का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन टैन का वैल्यू भी नेगेटिव आ जा रहा है, और जबकि आप खुद ही बताइए पी टू के केस में क्या टैन नेगेटिव हो सकता है, पी टू के केस में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां पर जो इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे वो इधर लेंगे,
समझ में आया? यानी जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. बी केयरफुल, ध्यान देना. पॉइंट जब सेकंड में होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. और उसी हिसाब से अगर आप इसको, मैं डॉट डॉट कर देता, उसी हिसाब से अगर आप इसके इसेंट्रिक एंगल की बात करें तो इसका इसेंट्रिक एंगल विल बी ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर है? ठीक है. अब मैं यहां बनाना, पॉइंट अगर थर्ड में है तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है, मैं इसे रेड डॉट कर देता हूं पूरा. ये पॉइंट है N3, इसके लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहां है? U3. इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, इसेंट्रिक एंगल थीटा 3, ठीक है. यानी P3 के लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा Q3, यानी पॉइंट थर्ड में था, करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेकंड में था और इसेंट्रिक एंगल उसी से. इसे ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्सा. इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि बुक्स में नहीं मिलता और कई बार कॉमन क्वेश्चंस में मान लो अगर थीटा दे दिया है कि इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट इज 150 डिग्री, वेयर विल बी द पॉइंट, तो पॉइंट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट. कंफ्यूज, ये अगर बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ ए से थीटा बी टैन थीटा सॉल्व करके निकालोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में तो दोनों निगेटिव होगा यानी पॉइंट थर्ड में. लेकिन सोचना शुरू करते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वो नहीं. मैं एक टेबल बना देता हूं इसके लिए. इस हिस्से में मैं पॉइंट्स को दे रहा हूं, यहां करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को दे रहा हूं, यहां इसेंट्रिक एंगल को मैं दे रहा हूं. एक काम करते हैं हम लोग, इसेंट्रिक एंगल के लिए थीटा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए क्यू और इसके लिए पी. अगर पॉइंट मेरा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, ठीक है, यही चार जगह होगा. अगर फर्स्ट में है तो ये भी फर्स्ट में होगा, सेकंड में है तो ये थर्ड में चला जाएगा, थर्ड में है तो ये सेकंड में चला जाएगा, फोर्थ में है तो ये फोर्थ में ही रहेगा. इस केस में थीटा विल बी जीरो से पाई बाई टू, ठीक है. इस केस में जो थर्ड में चला गया तो थीटा विल बी पाई से थ्री पाई बाई टू. कई लोग थीटा को कहते हैं, कई लोग थीटा को इसकी जगह ये भी लेते हैं और थीटा कैन बी माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू. सेकंड में अगर चला गया तो थीटा इज पाई बाई टू से पाई. कुछ लोग फोर्थ वाले के लिए दो आंसर बोलते हैं. देखिए क्या, एक आंसर बोलने वाले लोग बोलते हैं थ्री पाई बाई टू से लेकर के टू पाई, या बोलने वाले बोलते हैं थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से जीरो. दोनों ये टेबल आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है चीज. बाकी आपको डेल्टा वाली बात तो याद होगी ना, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि पैराबोला जब मैंने शुरू किया था तो उसका इंट्रोडक्शन टू कॉनिक्स देख लीजिएगा, एक जो फर्स्ट लेक्चर था, इलिप्स का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, देन यू विल स्टार्ट लिसनिंग दिस वन लेक्चर, ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग टेंजेंट्स के बारे में और बहुत सारी चीजें और करेंगे.